सो हेलो गाइस, कैसे सभी लोग, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। सो गाइस, आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ ये पीपीटी भक्ति मूवमेंट के ऊपर। मैंने थोड़ी सी पीपीटी बना दी है और मैं थोड़ी सी भी पीपीटी आपके सामने बनाऊंगा। पहले आप ये वाली पीपीटी देख लीजिए, मैंने ऐसे की है। नयानर्स भक्ति मूवमेंट में सब ये क्या क्या होता है और नयानर्स ये सब भी मैंने लिखा है। मैं एक मिनट कैमरा ऑफ कर लेता हूँ क्योंकि अभी क्योंकि करना नहीं है, तो इसे कैमरा ऑफ कर लेता हूँ। सो गाइस, ये सारी पीपीटी है, मैंने पूरी ये बनाई है, अभी तक मैंने अलवार्स तक की बनाई है। और मैं अब आपको आगे दिखा देता हूँ कि आगे आपको कैसे बनानी है। और आपका हॉलीडे होमवर्क भी है कहीं कुछ बच्चों का, तो भी मैं वो भी मैं सिखाऊंगा कि भक्ति मूवमेंट अगर टॉपिक आ गया तो उस पर कैसे बनाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमने टॉपिक लिया यहाँ पे भक्ति मूवमेंट, ये सारा हमने टॉपिक है। फिर उसके बाद ये सारे डिज़ाइनर पे आ जाते हैं। मैंने पीपीटी ऑफिस प्रेजेंटेशन में मिली है, अगर ये आपको पहले से इसके लैपटॉप के अंदर मिलता है तो ठीक है, या कंप्यूटर के अंदर मिलता है, मुझे कंप्यूटर के अंदर नहीं मिला है इसलिए मैं बनाता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। आगे हम चलते हैं। तो हमने ये सारी मैंने बनाई है, आप एक बार पॉज करके लिख सकते हैं और फिर मैं आगे जाऊंगा। मैंने एक टू एड टाइटल लिया, मैं हमेशा टू वाला लेता हूँ। और फिर हम इसके आगे हम आपको यहाँ पे क्लिक करना है, आपको ये नॉर्मल पता होगा। और फिर इसको क्लिक करने के बाद आपको लिखना है, क्या कहते हैं, आपको लिखना है द भक्ति संस, भक्ति संस लिख दिया गाइस। तो हम भक्ति क्या होता है ये हम इसको हम ऊपर शिफ्ट कर देंगे। और अभी आप हमें एक डिज़ाइनर को चूज़ नहीं करेंगे, अभी हम इसको फिर ऊपर रख देंगे। और हम भक्ति यहाँ पे भी लिख देंगे भक्ति संस, फिर ये बता देगा कि भक्ति संस होते क्या हैं। आप भी ऐसे कर सकते हैं, मैं तो यही यूज़ करता हूँ मैन स्पेसिंग भी। गाइस, मैंने संत की स्पेलिंग गलत लिख दी है गलती से, पर कोई बात नहीं, आ जाएगा। तो अभी हम किसी की फ़ोटो ले लेंगे यहीं से, कोई आप नीचे की नीचे से फ़ोटो ले गया लीजिएगा, क्योंकि वहाँ पे अच्छी फ़ोटोज़ भी होती हैं और वो यूज़ भी नहीं करते ज़्यादा लोग, हम यहीं से करते हैं। और आप ध्यान रखें जो आप फ़ोटो लीजिए उसमें जैसे कोई हेडिंग वेडिंग ना आए, जैसे कि इसमें यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है वो उनके कंपनी का नाम या कुछ ऐसे लिखाना है। तो भक्ति संस में हम ये वाली फ़ोटो लेंगे, इस पर हम क्लिक कर देंगे कॉपी इमेज करके, हम इसे यहाँ पे पेस्ट कर लेंगे। पहले इसको अभी हम साइड पे कर देंगे क्योंकि अपने आप हमें डिजाइन को अच्छे अच्छे डिज़ाइंस मिल रहे हैं हमें। और हम इनके बारे में अब हमें देखना है भक्ति संस के बारे में, तो हम जाएंगे यहाँ पे और ऑल पे जाके हाँ देख सकते हो तो फन फॉलोइंग ये क्या क्या वो फॉलो करते हैं। तो हम इसे भी कॉपी कर देंगे और इसे लिख देंगे। अगर आपको ज़्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप उसके बारे में ज़्यादा लिखिएगा। फिर मैंने इसे कर दिया पेस्ट, कुछ अब ऐसा सा आ गया। तो मैं डिज़ाइनर्स में जाके डिज़ाइन करूँगा, मुझे क्या अच्छा लगा है जो आपकी चॉइस है वो चीज़ कीजिएगा। मुझे ये अच्छा लगा तो मैं ये यूज़ कर रहा हूँ। अब जैसे ये हमारे पास दिख नहीं रहा तो मैं इसे सिलेक्ट करूँगा और ये छोटा हो गया, मैं इसे सिलेक्ट करके इसका साइज़ बड़ा कर दूँगा, इसका बोल्ड कर दूँगा। अभी हम इसको एडजस्ट कर देंगे, थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ मैं। और इसकी फॉन्ट में मैं चेंज करूँगा, मैं इसको ये रखूँगा। अब मैंने इसे ये रख दिया, अब ये नीचे जा रहा है तो मैं इसको आगे कर दूंगा बड़ा। पीछे करो यहाँ से, इस वाले कर्सर से पीछे करो और इसको क्लिक करके ऐसे आगे कर सकते हो आप। और ये हो गया सेट, बस क्लियर। अच्छे से सेट कीजिएगा, फोर्थ मूवमेंट नहीं आई तो उसे भी हम लगा देते हैं। गाइस वेट कीजिए, गाइस फोर्थ मूवमेंट भी आ चुके हैं, अब हम इसे पीछे कर देंगे और सारी मूवमेंट आ चुकी है। फिर ये एडजस्ट नहीं हो रही, वो बात नहीं, एडजस्ट भी करेंगे टाइम से उसको। हो गया, छोटा कर दिया मैंने। कलर हम चेंज करेंगे, कलर मैं चूज़ करूँगा
डार्क कलर ही चूज़ कीजिएगा आप हमेशा, या फिर अगर आपकी वाइट हो तो आप भी डार्क कलर चूज़ कीजिएगा, क्योंकि डार्क सही लगता है मुझे ये कलर सूट के। आपको जैसा कलर सूट करे आप वो यूज़ करना। तो मैंने अभी इतना बना दिया, फिर हम लिखेंगे अभी होम पे जाके, नहीं सॉरी इंसर्ट पे जाके न्यू स्लाइड हम करेंगे। और मैं हमेशा सेक्शन हेडर वाली स्लाइड लेता हूँ, कभी कभार ये लेता हूँ जब मुझे कुछ पिक्चर्स या प्रिंट आउट के लिए कुछ ही होता है, पर मैं सेक्शन हेडर ही प्रेफर करता हूँ। तो हम उसे लगाते हैं और फिर मैं आपको दिखाता हूँ। फिर अब हम लिखेंगे कबीरदास। मैं लिख देता हूँ कबीरदास। गाइस मैं स्लो स्लो लिख रहा हूँ जिससे कि मुझे भी इजी हो जाए, मेरी कोई स्पेलिंग ना गलत हो जाए, मतलब मैं फास्ट लिख सकता हूँ। अब कबीरदास के बारे में सेम एज हम गूगल पे जाएंगे। मैंने न्यू टैब्स खोले हुए हूँ, मैंने उधर कर दिया था, यहाँ पे जाएंगे और चले जाएंगे कबीरदास। सॉरी मैं गलत बोल रहा हूँ, उसके लिए माफ़ करना, सॉरी। ये क्यों आ रहा है? चलो हम उनके विकिपीडिया में जाएंगे। विकिपीडिया से आपको ज़्यादा डिटेल मिलती है। पहले हम थोड़ा ये कॉपी कर लेंगे लिखने में। गाइस आप टाइम वेस्ट नहीं कीजिएगा, अगर आपको टाइपिंग का शौक है तो आप कर सकते हैं, पर मैं मुझे इतना टाइपिंग का शौक नहीं है, इसलिए मैं ऐसे कॉपी पेस्ट करूँगा। तो ये कॉपी पेस्ट कर दिया मैंने। अब तो यहाँ पर डिज़ाइनर आएंगे, अभी हम उनके पिक्चर भी इंसर्ट करेंगे गाइस। और आप गाइस हमेशा ध्यान रखना हर में ट्रांजिशन और वो ऐड करना, जैसे इसमें मैंने ट्रांजिशन ऐड नहीं की, तो मैं ट्रांजिशन मैं इसमें करूँगा यूज़। मैं यूज़ करूँगा ब्लेंड्स यूज़ करूँगा, आपको जो करना कर सकते हो। और फिर मैं इसको हटा के वो क्या कहते हैं एनिमेशंस पे जाऊंगा, और इसको घटा के इसको हमें अपेयर करना है, तो मतलब एंट्रेंस करवानी है इसकी, तो हम इसको स्ट्रिप्स में एंट्रेंस करवाएंगे। तो ये हो गया, और ये हो गया कबीरदास। अब कबीरदास की मैं फ़ोटो ले आऊँगा, कबीरदास की फ़ोटो। हम बैठ जाएंगे पहले, बैग जाने के बाद ये कबीरदास की बहुत सारी फ़ोटोज़ हैं, पर मैं इमेज मैसेज में आके मेरी बात को याद रखना हम हमेशा नीचे वाली। ये गाइस देखिए कबीर सिंह आ गया। कोई बात नहीं, चलो नीचे चलते हैं। कबीर सिंह को दे रहे हैं भाई, पर हम तो ये लेंगे कबीरदास। कॉपी इमेज करके यहाँ पे जा मैंने ऐसे पेस्ट कर दिया, मैं मुझे मिल गया। मैं ऐसे कंट रख रहा हूँ, पर गाइस अब मैं ऐसे बड़ा कर दूँगा। बड़ा कर दिया तो अगर गाइस आप थोड़ी बैकग्राउंड नॉइस आ रही है तो उसके लिए सॉरी। अब ये सारा हो गया कबीरदास और कबीरदास में बार बार कबीरदास क्यों बोल रहा हूँ, कबीरदास हो गया। अब इसमें हम थोड़ी ट्रांजिशंस मैंने लगा दी थी, इस पे लगी है ना, हाँ लगी। अब इस पे भी मैं वही सेम करूँगा, स्लाइड पे आके ट्रांजिशंस पे जाके हम ले लेंगे नन तो नहीं करना, वाइप कर देंगे। एनिमेशन वाह भाई वाह, वहाँ पे हम लिख देंगे कब फिल्म लगाएंगे, अपेयर कर देंगे। ये मुझे अच्छी लगे, फ्लाइन कर दूँगा मैं। तो गाइस अगर आपको आगे भी देखनी है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना। मिलते हैं जल्दी अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय। और गाइस मैं आपको एक और चीज़ बता दूं कि अगर आपको कुछ ऐसे चाहिए इन्फॉर्मेटिव, और आप दूसरे वर्जन में भी बना सकते हैं। मैंने इस पर बनाया, मुझे ये चीज़ लगता है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।